संसद सत्र में घिरेगी मोदी सरकार, विपक्षी सांसदों की मीटिंग, सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा। 2024 की तैयारी शुरू, आज भुवनेश्वर में मिलेंगे ममता बनर्जी और नवीन पटनायक, चुनाव को लेकर बनेगी रणनीति। सीएम नीतीश कुमार का यूपी में बड़ा दांव, धनंजय सिंह को सौंपी अहम जिम्मेदारी, बीजेपी को मिलेगी चुनौती। पीएम मोदी के खिलाफ पोस्टर पर घमासान तेज, जंतर मंतर पर आज प्रदर्शन करेंगे अरविंद केजरीवाल, बीजेपी ने आपको घेरा। राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में सुनवाई आज, सूरत कोर्ट अपना सुना सकती है फैसला। आज महाराष्ट्र दौरे पर रहेंगे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, लोकसभा यात्रा योजना के तहत तीसरी बार करेंगे कोल्हापुर का दौरा। मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर बीजेपी ने शुरू की तैयारी, आज से जनता से संपर्क करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, लोगों को बताएंगे विकास कार्य। अमृतपाल सिंह की तलाश लगातार जारी, पंजाब के कई क्षेत्रों में आज भी बंद रहेगी इंटरनेट सेवा, तरन तारण फिरोजपुर और मोगा में इंटरनेट सेवा रहेगी बंद। हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी, ऑरेंज अलर्ट जारी, राजधानी दिल्ली में भी बारिश के आसार। मौसम ने ली करवट, राजधानी दिल्ली में आज भी बारिश के आसार, कई राज्यों में आएगी आंधी और तूफान। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन का कनाडा दौरा, जल्द कनाडा के राष्ट्रपति से करेंगे मुलाकात, कई मुद्दों पर बातचीत संभव। अमेरिका के डेनवर के स्कूल में गोलीबारी, दो लोग घायल, हमलावर की तलाश में जुटी पुलिस। विदेश सचिव जेम्स केलवरी का बयान, भारतीय उच्चायोग के कर्मचारियों के साथ हिंसा बर्दाश्त नहीं। 24 मार्च से शुरू होगा भारत का पहला इंटरैक्टिव AI आर्ट फेस्टिवल, ब्रिटेन से लेकर अमेरिका तक के आर्टिस्ट होंगे शामिल। केस से घबराई जॉनसन एंड जॉनसन, जाएगी सुप्रीम कोर्ट, दिवालिया प्रक्रिया के लिए लगाएगी याचिका। अदानी मामले में खुलासे से हलचल मचाने वाले हिंडनबर्ग का दावा, एक और बड़ी रिपोर्ट आने वाली है। अरबपतियों की संख्या 8% घटी, भारत में 16 नए बने, अदानी की संपत्ति में 60% की गिरावट। सरकारी योजना का असर, $10 अरब होगा मोबाइल फोन का निर्यात। बिहार की जनता को लगेगा महंगाई का झटका, बिजली दर में बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर आज बिहार विद्युत विनियामक सुनवाई करेगा। रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर, आज करीब 117 ट्रेनें रहेंगी रद्द, कई गाड़ियों को किया गया डाइवर्ट।